सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ब्रीफ रिव्यू करने वाले हैं एम्स दिल्ली का। देखो, मैं ना पहले कर चुका हूँ एंड इसमें कमेंट्स आते हैं। बीएससी नर्सिंग को लेके भी कमेंट्स आए हैं। एमबीबीएस तो जनरल हम करते ही हैं, तो मैं एमबीबीएस के साथ थोड़े से बीएससी नर्सिंग को भी इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है? वहाँ जिन बच्चों को होगा वो छोटा छोटा, ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा, तो वो बच्चे भी रेफर कर लेंगे। तो होल रिव्यू करेंगे हम लोग पूरा एम्स दिल्ली का। पहले हम लोग आपका बात कर लेंगे हर चीज़ पे, पढ़ाई से लेके एग्जाम से लेके एलिजिबिलिटी से लेके एडमिशन क्राइटेरिया, इन सारी बेसिक चीज़ों पर, ठीक है? एंड उसके बाद बात करेंगे आपकी वो मस्ती वाली चीज़ें, लाइक आपका फेस्ट, आपका हॉस्टल, आपका मेस, ठीक है? उन सारी चीजों पे जिस पे ज्यादा आप लोगों को मतलब वो आ जाता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, एंथुसियाज्म, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और मैंने यहाँ पे एकदम नया फ्रेश पीडीएफ बना लिया है, ठीक है? तो ये पीडीएफ यहाँ कहीं साइड में आपको दिखता रहेगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी की। एंड इंट्रो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट एम्स दिल्ली, राइट? तो एम्स दिल्ली हमारा 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? ये सब बेसिक चीजें आप जब समझ सकते हो। एज पर एनआईएफ रैंकिंग 2021, एम्स दिल्ली का रैंक 1 है इंडिया में, ठीक है? एंड 8th पोजीशन इन द रिसर्च कैटेगरी, ठीक है? मेडिकल कैटेगरी में आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, एंड रिसर्च कैटेगरी में आपका 8th पोजीशन मिल रखा है एम्स दिल्ली को इंडिया के अंदर, ठीक है? लोकेशन की बात करें तो ये आपका श्री अरबिंदो मार्ग, अंसारी नगर ईस्ट न्यू दिल्ली में पड़ता है, ठीक है? आप लोग यहाँ पे जा सकते हो बाय मेट्रो, ट्रेन, एयर एंड बस, जैसे भी आपको सुविधा लगे। एंड अब स्टार्ट करते हैं मेन रिव्यू हम लोग यहाँ से। रैंकिंग के पहले बात करते हैं। रैंकिंग यहाँ पे हमने बता दिया मैंने आप लोगों को कि फर्स्ट पोजीशन है इसका मेडिकल कैटेगरी में, एंड 8th पोजीशन है रिसर्च कैटेगरी में एज पर एनआईएफ 2021, ओके? रिकॉग्निशन की बात करें तो ये आपका रिकॉग्नाइज्ड है बाय एमसीआई एंड यूजीसी। एमसीआई आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है बेसिकली, तो ये एमसीआई एंड यूजीसी से आपका रिकॉग्नाइज्ड है। कोलैबोरेशन, जो मेजर कोलैबोरेशंस हैं आपके एम्स दिल्ली की, अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी देखने को मिल जाएगा, जेएनयू न्यू दिल्ली देखने को मिल जाएगा, आईआईटी रुड़की, यूनिवर्सिटी ऑफ मिकैन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस डेस्कैरेट्स, अजीब नाम है यार, IGIB न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट एटेक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे पीडीएफ में भी देख सकते हो, एंड पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से जाके भी पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। तो नोटेबल एल्यूमिनाई पे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक हमारे पास आते हैं रमेश सी डेका, ठीक है, ENT स्पेशलिस्ट एंड एक्स डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, एंड रणदीप गुलारिया जो डायरेक्टर ऑफ एम्स हैं, इवन रोमन सैनी जिन्हें आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, रोमन सैनी बहुत लोग इन्हें जानते होंगे, ये हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर में आते हैं, एंड शशि वाधवा डीन एट एम्स न्यू दिल्ली, ये कुछ हमारे नोटेबल एल्यूमनाई हैं एम्स दिल्ली के, राइट? फैसिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, मेजर फैसिलिटीज़ आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ बहुत सिंपली लिखा हुआ है, एम्स न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड स्किल एनहांसमेंट पर्पज़, ठीक है? हॉस्टल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हॉस्टल पे मैं एक बार नीचे भी और अच्छे से बात कर लूँगा, बट यहाँ पे बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। हॉस्टल आपको मिल जाएगा, हॉस्टल अकोमोडेशंस मिल जाएंगे आपको, जिसमें सेपरेट हॉस्टल्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आप लोग सब लोग को सिंगल रूम अलॉट होगा बाय द फर्स्ट ईयर, जो कि नहीं होता है बाकी मेडिकल कॉलेजेस में। इनिशियली आपको शेयरिंग रूम्स मिलते हैं, बट एम्स दिल्ली में आपको फर्स्ट ईयर से ही वो मिलने लग जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, सिंगल रूम, मतलब अकेले रह रहे होगे आप, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी, मेस मिल जाएगा, रिक्रेशनल एरिया मिल जाएगा, एंड ऑल बेसिक एमिनिटीज रिक्वायर्ड, जो भी आपको रहती है ना कोर्ट्स, ये वो थोड़ी सी हॉस्टल कॉम्प्लेक्सेस टाइप बना रखी है उन लोगों ने, बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे है, तो वो सारी सुविधाएं आपको मिल रही होंगी। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो एम्स डज नॉट ओनली फोकस ऑन कीपिंग अ स्ट्रिक्ट करिकुलम फॉर इट्स स्टूडेंट टू एक्सेल एकेडमिकली, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्साइटिंग स्पोर्ट फैसिलिटीज एज द इंस्टीट्यूट बिलीव्स दैट अ हेल्दी माइंड इज अ बेटर माइंड, राइट? तो स्पोर्ट्स में आपको हर चीज़ें मिल जा रही होंगी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुछ अजीब सा खेल खेलना है आपको, एकदम रग्बी उग्बी खेलने का मन है तो वो भी जाके आप बोल सकते हो अपने स्पोर्ट्स काउंसिलर के पास कि भैया
सर रग्बी नहीं है सर, खेलवा दीजिए सर, खेलना है सर, तो वो भी आपके लिए अरेंज कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा केयर, मतलब मजाक साइड रखते हुए, बहुत ज़्यादा आप लोग को केयरिंग मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी कंसर्न्स होंगे उनको ये किया जाता है, कंसिडर किया जाता है एंड सॉर्ट आउट किया जाता है। रिगार्डिंग स्पोर्ट्स हो गया एंड अलग फैसिलिटीज जितनी भी आपको प्रोवाइडेड है, उसमें जो भी आपके कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको कंसिडर करते हुए वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जो जनरली बहुत रेयर होता है इंडिया में देखना, राइट। कंप्यूटर सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको द कंप्यूटर सेंटर प्रोवाइड्स एन इंटरनेट फैसिलिटी टू द कैंपस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंप्यूटिंग फैसिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इट्स लाइक मोर ऑफ आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट एंड ऑल थिंग्स रहेंगी, आपके पास कंप्यूटर सेंटर रहेगा जहाँ पे आप चीज़ें, आपके पास नेट का कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। प्लस आप अपने सारे डिवाइसेस एंड ऑल सबको कनेक्टेड रख सकते हैं एंड उसका कोई भी पे या फिर आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे होंगे। इट्स लाइक मोर ऑफ वाईफाई, बट वाईफाई से भी ज़्यादा, ठीक है, एंड फ्री वाईफाई विथ स्पीड, ठीक है। तो लाइब्रेरी के ऊपर बात करते हैं, देखो एम्स दिल्ली का सबसे बहुत बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका लाइब्रेरी, ठीक है। द लाइब्रेरी इज डिजिटलाइज्ड एंड इक्विप्ड विद ग्लोबली पब्लिश्ड मेडिकल जर्नल्स एंड बुक्स, ठीक है। सबसे पहला बात तो ना, डिजिटल लाइब्रेरी भी आपको मिल जाता है। एक हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आते हैं जिसमें बुक्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका डिजिटलाइज लाइब्रेरी भी रहेगा जहाँ पे आपको ऑन कंप्यूटर लैपटॉप इन सारी चीज़ों, मतलब डिजिटली भी आपको चीज़ें मिल रही होंगी, लाइक आपके मेडिकल जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गए, रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड ऑल्सो स्पेंड द टाइम इनहेंसिंग देयर नॉलेज एंड क्लियरिंग डाउट्स। तो ये आपके स्टूडेंट एंड स्टाफ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एंड द मोर सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका 24/7, ठीक है, क्या लिखा है, 24/7 आपका ओपन रहता है। तो आप रात के 3 बजे भी जाके, रात के 2 बजे भी जाके, रात के सुबह के 4 बजे भी जाके, या जब मन चाहे तब जाके आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। वहाँ से आप अपने स्टडी में एक अच्छा इन्हेंसमेंट ला सकते हो, क्योंकि 24/7 खुला है ना, तो आपको अपने आप को कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा लाइब्रेरी के अराउंड। आप लाइब्रेरी आपके अराउंड कस्टमाइज है, अगर आपको रात में 2 से 3 पढ़ना है या फिर सुबह में 8 से 9 पढ़ना है या फिर दिन में 2 से 3 पढ़ना है या 4 से 5 पढ़ना है, आप वैसे पढ़ सकते हो, आपको अपने आप को कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा लाइब्रेरी के अराउंड, राइट। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। मेडिकल फैसिलिटी तो हॉस्पिटल ही है अपने पास यार, तो क्या मेडिकल फैसिलिटी, कुछ भी करवा के आ जाओ, दे देंगे वो लोग ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कोर्स ऑफर्ड एंड फी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको MBBS, ठीक है, BSc, MD, MSc, MCS, DM एंड PhD बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली MBBS भी मिल जाएगा, MD भी मिल जाएगा एंड DM, MCH, MS, ये सारी जो आपकी PG एंड सुपर PG आती है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती है। MBBS की बात करें तो 5.5 ईयर्स का कोर्स है एंड इसका 6.88 के अप्रॉक्स फीस है। 5.8 के भी लगता है बहुत सारे केसेस में एंड 5.8 के ही लगता है जनरली, 6.88 के आपका अप्रॉक्स फीस हर चीज़ को कंसिडर करते हुए कहा गया है। BSc आपका 3 to 4 ईयर्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन किसका आप कोर्स कर रहे हो, जहाँ 6.26 के की फीस रहती है। MD, MCH, DM आपके 3 ईयर्स के होते हैं और रिस्पेक्टिव फीसेस यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये होती हैं 5 to 6.57 के, ठीक है। एम्स दिल्ली में एडमिशन की बात करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एम्स दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है MBBS में, BSc, BSc ऑनर्स, MD, MS किसी भी चीज़ में लेना है। तो सबसे पहले तो आपको अगर MBBS में एडमिशन लेना है तो आपको नीट UG आपको अप्लाई करना पड़ेगा। MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट UG एंड नीट कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। नीट का आपका इसका कट ऑफ जनरल हो तो 690 से ऊपर ही रहेगा यार, ठीक है, उससे कम तो नहीं हो सकता है, शायद हो भी जाए, वो डिपेंड करता है पेपर पे, बट जनरली 690 से ऊपर जनरल के लिए एंड चल रहा है, 690 से ही ऊपर आपको लाना होगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो नीट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है एंड कंप्लीट द एम्स दिल्ली एडमिशन फॉर्मेलिटीज बाय पेइंग द फीस एंड गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप MD, MS, DM, MCH, MDS इन सारी चीज़ों में कर रहे हो तो आपको INICET में आपको इनरोल करना है, एग्जाम देना है, जो कि एम्स दिल्ली करवाता है। मिनिमम परसेंटाइज जो रिक्वायर्ड है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा एंड इसके काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा एंड उसके बाद सेम आपको फीस एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने पड़ेंगे। ये कुछ स्कॉलरशिप का यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आप पढ़ सकते हो खुद, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलता है रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी दे बिलोंग टू। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं जनरल को नहीं मिलेगा या ओबीसी को नहीं मिलेगा या सीएसटी को नहीं मिलेगा, कैटेगरी पे नहीं डिपेंड करता है, आपको अगर नीड है तो वो मिलेगी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, एंड ड्यू टू एक्सट्रीमली अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर हाउएवर द इंस्टीट्यूट ऑफर्स मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप टू इट्स स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अवेल देमसेल्व्स ऑफ वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स प्रायर टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द अथॉरिटीज। तो बेसिकली एक तो फीस आपका 5.8K है आपके 5.5 ईयर्स का, तो वहीं पे स्कॉलरशिप की जरूरत तो ऐसे है नहीं। ठीक है, इतना आप मिनिमम टू मिनिमम भी आप अरेंज कर लोगे, राइट, बट फिर भी आपको आपके मेरिट के ऊपर कुछ स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, प्लस आप सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर देते हैं। तो प्लेसमेंट कोई मतलब ही नहीं बनता है एम्स से। ठीक है, यहाँ प्लेसमेंट वो जनरली लिखा हुआ है कि बच्चों का करियर आगे, तो आप एमबीबीएस करते हो उसके बाद या तो आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, या तो एम्स के अंदर आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ जॉब मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप बाहर हॉस्पिटल्स या स्टेट हॉस्पिटल्स या सेंट्रल हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने जाओगे, या फिर आपको आपने फर्दर स्टडीज करनी है तो आपको पीजी नीट पीजी देना पड़ेगा एंड वहां से आप एमडीएमएस कर सकते हो, या फॉरेन से आप एमडीएमएस करना चाहते हो वहां से भी कर सकते हो, बट उसके लिए फर्दर स्टडीज का स्ट्रीम अलग है एंड एक स्ट्रीम आपका है प्रैक्टिस करने का एमबीबीएस के बाद जस्ट, तो आप जिसमें जाना चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी अगर आप कमेंट करोगे कि हमें एमबीबीएस के बाद का ब्रॉडर कुछ बताइए तो क्या 2-3 ऑप्शंस आपके पास आते हैं उस पर भी वीडियोस आ जाएंगी। तो एम्स दिल्ली की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो ये आपकी रैंक्ड इन यूनिवर्सिटीज में 8th आता है, आपको पता है, मेडिकल में 1st है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आपका नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट है एंड जेंडर्स एक्सेप्टेड कोएड है, राइट। यहाँ पे आपको टोटल फैकल्टी 775 मिल जाएंगी एंड टोटल स्टूडेंट्स अभी करेंटली 2841 अप्रोक्सीमेटली इनरोल्ड हैं, राइट। क्विक फैक्ट्स की बात करते हैं, ये जो क्विक फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं एमबीबीएस के लिए बात कर रहा हूँ, राइट, ये चीज दिमाग में रखना, ये एमबीबीएस के लिए बात कर रहा हूँ। एग्जाम हमें नीट चाहिए, अप्रूवल एनएमसी है और यहाँ पे आपको 100 सीट्स हैं, ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट है, 100 सीट्स हैं। मोड आपका फुल टाइम ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स है एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शैल लास्ट फॉर मिनिमम ऑफ 5.5 एकेडमिक ईयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। 4.5 ईयर्स तक आपका वो चलेगा एकेडमिक एंड लास्ट का 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होता है, आप लोग को सब ये चीज़ पता होगा, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, एज शुड हैव अटेंड और विल अटेन द एज ऑफ 17 ईयर्स एज ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑन द ईयर ऑफ एडमिशन, ठीक है, आपका 17th कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप 17 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है, जब आपका एडमिशन हो रहा हो। मान लो कि आप 26 नवंबर को एडमिशन ले रहे हो एंड आपका एज 18 है तो आप हो, ठीक है, आप मतलब एलिजिबल हो, या फिर आप 26 नवंबर को एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, एंड आपका जो एज है वो 16 है, ठीक है, बट मान लीजिए कि आप 5-6 दिसंबर को 17 आपका बर्थडे आता है एंड आप 17 हो जाते हो तो भी आप एलिजिबल हो, आपको 31st दिसंबर तक टाइम है उसमें आपको आपका 17 एज होना चाहिए जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो। यहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके एकदम ही कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये एकदम होने चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत पे। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 60% चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% चाहिए, राइट, जनरल और ओबीसी के लिए 60% आपको लाना पड़ेगा, क्लास 12th में 60% चाहिए और एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स के लिए 50% चाहिए कंपलसरी एग्रीगेटेड, इतना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कंपलसरी है एंड उनमें एग्रीगेटेड आपका 60% होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी से हो, और एस टी या पी डब्ल्यू बी डी से हो तो 50% होना चाहिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। अच्छा, ये अब नेक्स्ट जो क्विक फैक्ट्स मैं बात कर रहा हूँ ये बी एस सी नर्सिंग से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अप्रूवल आपका आई एन सी है, सीट यहाँ पे 96 है, मोड ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन आपका 4 ईयर्स रहता है, ठीक है, फोर ईयर्स का आपका टाइम रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, द सीट्स विल बी फिल्ड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स एट द
एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जो आपका मार्क्स आएगा और मेरिट आएगा उसी के बेसिस पे 96 सीट्स आपको अलॉट होंगी, राइट। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, हमारे पास 10+2 होना चाहिए, 55% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 50%, इन केस ऑफ एससी एसटी कैटेगरी जनरल एंड ओबीसी के लिए 55% चाहिए और 50% चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में, राइट। इन एग्रीगेट इन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, 50% फॉर जनरल और ओबीसी और 45% इन केस ऑफ एससी एसटी इन एग्रीगेट इन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इधर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको 55% चाहिए जनरल ओबीसी को एंड 50% चाहिए एससी एसटी को, ठीक है, एंड 50% आपको चाहिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री इधर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, मतलब आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्रीगेशन या तो 50% से ज्यादा हो, ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी से हो, और अगर आप एससी एसटी से हो तो आपका 45% से ज्यादा हो। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा, आप एक पढ़ भी सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग हॉस्टल के ऊपर, ठीक है। तो हॉस्टल के ऊपर बात करेंगे हम लोग थोड़ा ठीक से। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली के ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट किए हैं, वो आपको बताता हूँ। तो यू आर अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन टू योर रूम, सी व्हाट माय रूम्स लुक लाइक, राइट। सबसे पहले आप अपने रूम में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आपको जो करना है अपने रूम में आप कर सकते हो, एंड आपको ना उसके लिए कोई फाइन देना पड़ेगा, ना कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं करना, आपको जैसा मन है आप जो बनाना चाहते हो बना लो, ठीक है, कुछ भी मत बना लेना भाई। तो ये एक स्टूडेंट का रूम है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और फोटोज होंगी। तो ये कुछ इनका रूम इस साइड का दिख रहा है, राइट। एंड फीस यहाँ पे 900 रुपीज होती है फॉर थ्री इयर्स की फीस हमारी 900 रुपीज रहती है, राइट। तो ये मैंने हॉस्टल का थोड़ा सा ब्रीफ आ गया होगा। मेस पे बात कर लेते हैं, मेस में आपका ये भी एक स्टूडेंट का कलेक्टेड है कि जस्ट लाइक एनी अदर मेस बट विद सम डिफरेंसेस, सो देर आर मेनी मेसेस हेयर इन जेंस हॉस्टल कॉम्प्लेक्स, सो दैट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई फूड फ्रॉम डिफरेंट मेसेस, ठीक है, बहुत सारे मेसेस मिल जाएंगे। देर इज अ नाइट मेस टू वेयर वी कैन सेटिस्फाई आर लेट नाइट क्रेविंग्स, तो एक रात वाला लेट नाइट पता नहीं क्या होता है, ये हम लोगों को नहीं होता, हम लोग 10 बजे सोने वाले इंसान हैं। तो 124/7 कॉफी शॉप विच सर्व्स एवरीथिंग ग्रेट एक्सेप्ट कॉफी, ओ भाई वन ये गेम्स का बच्चा का लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कुछ यार। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक 124/7 कॉफी शॉप आपका रहता है जहाँ पे आपको कॉफी को छोड़ के सब अच्छा मिल जाएगा, कॉफी भी ठीक मिल जाती होगी, अच्छा एक नेस्कैफे भी है जहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, तो आप कॉफी के लिए नेस्कैफे जा सकते हो, राइट। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मेस, देर आर टू काइंड ऑफ मेसेस, वन एक जिसमें आपको मंथली पेमेंट करना होता है, एक जिसमें आप रेगुलर डेली जो आप खाते हो उस पे पे करना होता है, आपके ऊपर आप कौन सा चूज करते हो। ये एक व्हाइट बोर्ड में उन्होंने लिख रखा होगा अपना मेन्यू, जूम कर करके आप चाहो तो पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। द फूड वेराइटी इज ग्रेट, क्वान्टिटी टू इज गुड, बट स्टिल इट इज अ मेस, मेनी टाइम्स इट फेल्स टू सेटिस्फाई अस, देन द अल्टीमेट वेपन एट द टाइम इज स्विगी, तो स्विगी जोमैटो, कभी कभार यार होता है ना आदमी को अब चिकन टिक्का खाने का मन है और यहाँ पे इन्होंने पालक पनीर बना दिया है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो स्विगी जोमैटो कर सकते हो और बहुत सारे पैसे बच रहे होंगे आपके, तो आप कर लोगे। इन ऑल द फूड इज eatable and bearable for 5.5 years and that's the best thing, ठीक है। तो ये मैस पे बात कर लिया, पल्स पे बात कर लेते हैं। फेस्ट, इनका जो फेस्ट होता है पल्स, पल्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट्स इन द कंट्री, पल्स इज होस्टेड बाय एम्स दिल्ली एंड इज कंडक्टेड फॉर द 7 days, इट इज अ स्टेज वेयर नंबर ऑफ टैलेंटेड यंगस्टर्स शो देयर टैलेंट इन द फील्ड ऑफ डांस म्यूजिक लिटरेरी आर्ट्स मैनेजमेंट एंड टेक्निकल शोकेसेस एज वेल एज थिएटर एंड स्पोर्ट्स, राइट। तो ये आपका नेहा कक्कर, पता नहीं क्या ही गाड़ी है, एंड बाकी कुछ और भी आपके ये चल रहे हैं शोज, आप फोटोज देख सकते हैं। पल्स इज योर स्टेज टू शो हु यू आर, द फेमिना मिस इंडिया ऑडिशंस मोस्ट ऑफन टेक प्लेस विद इन द फेस्टिवल, प्रोबेबली द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू गेट योरसेल्फ अ स्टैंडिंग चांस। तो आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी इस वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। एंड चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं। आपको किस कॉलेजेस का और रिव्यूज चाहिए आप उनको भी कमेंट डाउन कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो पढ़ाई करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स चार चीजें हैं अपने पास, तुम्हारे पास तीन होंगी, तो उनके साथ खेलते कूदते रहो।
तो ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक।